नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और स्वकुशल होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति के बारे में। दोस्तों, नवोदय विद्यालय जो 25 क्लास पास कर चुके हैं और वो 6th में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है साल में एक बार, जो कि उसे नवोदय विद्यालय जो गवर्नमेंट की है, भारत सरकार की अपना मुक्त विद्यालय है, जिसमें आप एक एग्ज़ाम पास करके, नवोदय का एग्ज़ाम पास करके आप बिल्कुल फ्री में 12th तक की पढ़ाई सरकार की तरफ से आप कर सकते हैं, जिसमें सारे खर्चा आपको सरकार ही देती है। तो उसके लिए डेट दोस्तों आज ख़त्म हो गया था, लेकिन आज जो है फिर उसका डेट बढ़ा दिया गया है। और उसमें जो है करेक्शन, जैसे मान लीजिए आपका कोई गलती हो जाता है फॉर्म भरने में, तो उसका सुधार करने का भी डेट इसमें बढ़ाया गया है। तो क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू सबमिट सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6th जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021, यानी कि 2021-20 का है अभी, 21-22 का जो कि इसका डेट निकाल दिया गया। और इसका लास्ट डेट आज ही था दोस्तों, लेकिन यानी कि 15 दिसंबर 2020 को ही था, लेकिन इसका डेट बढ़ा दिया गया। तो इस पर सिंपली आपको क्या करना है, एक बार क्लिक कर लेना इस वाले पे, तो आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो इस पर जब जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, इस पर जैसे ही आइएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है नवोदय विद्यालय समिति, और यहाँ पर एडमिशन, यहाँ पर एडमिशन JNBST टेस्ट 6th एडमिशन। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा रहा है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो CBSEITMS यानी कि CBSEitems.nic.in की वेबसाइट पर आप खुलेगा ये, तो इस पर आपको एक फॉर्म टाइप से ओपन होगा। चलिए इसे पहले ओपन होने देते हैं। दोस्तों, जब तक उधर मेरा फॉर्म खुलता है तब तक मैं आपको जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपके बच्चे 5 क्लास को पास कर चुके हैं और 6 में जाने वाले हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर से ज़रूर दिलवाएं। अगर आपका स्टूडेंट तेज है तो आप ज़रूर से ज़रूर इस एग्ज़ाम में दिलवाएं, क्योंकि दोस्तों आपको इसमें बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। आप इसमें निःशुल्क में आपके बच्चे को पढ़ाया जाएगा 12th तक, और आपका बच्चे को जॉब तक की गारंटी तो नहीं, लेकिन ये कोशिश वहाँ तक ज़रूर करवाता है। और एक बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं दोस्तों, आप इसमें 9th के बाद भी दे सकते हैं, 6th यानी कि 5 के बाद भी। जैसे मान लीजिए आप 9th में हैं और 10th का एग्ज़ाम देंगे, तो इसमें उसका भी अप्लाई होता है। देख लीजिए एक बार, हम जैसे आप एक बार रिफ्रेश करेंगे तो सबसे ऊपर में एक टॉपअप आ जाएगा आपके सामने। दोस्तों, ये तब तक खुल रहा है, चलिए हमने जो फॉर्म अब खोले हुए थे ये इसे खुल जाने दीजिए, क्योंकि हमें आपको बताना है डेट जो इसकी बढ़ाई गई है नवोदय विद्यालय की। अब दोस्तों देखिए, इस प्रकार से एक वेबसाइट फिर ओपन हो गया है। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप इसका नोटिस, अगर मान लीजिए इसके बारे में आपको जानना है तो यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपको सारा डिटेल्स खुल जाएगा, और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना, जो आपको पता भी होगा अगर आप ऑनलाइन करते होंगे। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टॉपअप बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपको टिक लगाने का एक ऑप्शन आएगा। और यहीं पे दोस्तों देख लीजिए आप, जो ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक की भी मिल जाएगा, और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहीं पर एक नोटिस भी आ रहा है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे इस बॉक्स को, द डेट फॉर एडमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय समी सिलेक्शन टेस्ट 2021 हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 29 दिसंबर 2020, एंड करेक्शन विंडो विल रिमाइंड ओपन ऑन 30-31 दिसंबर 2020। कहने का मतलब दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि डेट बढ़ा दिया गया, और साथ ही साथ यहाँ भी एक टॉपअप ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन यानी कि इनसे इसे बढ़ा दिया गया है 29 दिसंबर तक के लिए। तो आप घबराएंगे नहीं दोस्तों, ये डेट बढ़ा दिया गया है बिल्कुल ही। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आवेदन का भी ओपन हो जाएगा, एक ऑप्शन आप यहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी और दे देना चाहता हूँ कि गूगल का अभी दोस्तों थोड़ा सा सर्वर डाउन चल रहा है 2 दिन से, जिनसे कि आपको आवेदन करने में परेशानी भी हो सकती है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं थोड़ा समय देना होगा, जिसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, तभी जाकर आप ये आवेदन कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही स्लो चल रहा है सर्वर। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।